तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राठौर सीट कवर। और गाइस, आज हम देखने वाले स्प्लेंडर BS6 जो नया मॉडल आया, उसकी आज हम सीट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और किस तरीके से सीट मॉडिफिकेशन करते हैं ना, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसमें पूरा मैंने फॉर्म कटिंग का वीडियो शूट किया है, कवर फिटिंग का वीडियो शूट किया है, और न्यू यूनिक डिज़ाइन में ये जो सीट मॉडिफिकेशन करी है ना, वो आपको आज दिखने को मिलेगी। और किस तरीके से ये सीट मॉडिफिकेशन का काम रहता है, वो भी आप लास्ट तक वीडियो देखो तो आपको पूरा पता चलेगा कैसे सीट मॉडिफिकेशन का काम रहता है मेरा। और इसमें अलग अलग कलर वगैरह चॉइस में भी मिल जाती है, ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से ये सीट पूरी ब्लैक मॉडिफिकेशन करी है गाइस। और गाइस, जो जो भी मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, वो मेरे को कमेंट करो, मेरे को भी पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखते हो आप सब लोग गाइस। और मेरी चैनल में नए आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और मेरा यूट्यूब पर डेली अपडेट रहता है, कभी कभी लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया है तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी वीडियो मेरा यूट्यूब पर आता ही है। और जो आप देख रहे हो, आगे का जो फॉर्म का पार्ट है ना, वो पूरा फिनिशिंग हो गया है, कटिंग कर दिया है। अभी पीछे की बारी है, थोड़ा बहुत कैमरा हिल रहा है, मेरे को मालूम नहीं था ये सब हिल रहा है। शूटिंग मैंने देखा ना, बाद में मेरे को पता चला कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो भी आप समझ जाना मैं किस तरीके से सीट मॉडिफिकेशन का काम करता हूँ। आगे पीछे दोनों साइड से हम फॉर्म कटिंग करेंगे, क्योंकि प्रॉपर न्यू यूनिक डिज़ाइन जो बनाने वाला हूँ ना, वो आपको न्यू देखने को मिलेगी। बीच में हम डबल पट्टी तो मारते हैं, इसमें भी डबल पट्टी सिल्क्रोम पट्टी मार के बनाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क रहेगा। ये मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और फैंसी न्यू लुक न्यू डिज़ाइन में ये सीट मॉडिफिकेशन करी है, तो आपको ये भी देखने को मिलेगी कि भाई क्या नया मैं बनाया हूँ, नया नया कर रहा हूँ मैं। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या नया है वो। आप भी आपकी दुकान पे ट्राई कर सकते हो इस तरीके से सीट मॉडिफिकेशन करके। कितने सारे मेरे सीट कवर भाई लोग सब लोग देखते हो मेरे वीडियो, मेरे को मालूम है, वो तो कमेंट करते हो इसीलिए मालूम रहता है। अभी जो फॉर्मिंग का पार्ट है वो सिलसिला अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। अभी पॉलिश की बारी है, पॉलिश में तो थोड़ा बहुत कचरा रहता है, इसीलिए मैं नहीं शूट किया है। तो भी ये हो गया कंप्लीट गाइस, थोड़ा बहुत है वो मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ। अभी मैं स्टार्ट किया है कवर फिटिंग का काम, जो आगे पार्ट दोनों पार्ट में हमने जो दिया था फॉर्म कटिंग का, तो वहाँ पे हम सोल्यूशन ऑलरेडी लगा के ही रख दिए थे, तो अभी सोल्यूशन चिपक गया, परफेक्ट फिनिशिंग हो गया है। अभी कवर फिटिंग कर रहा हूँ मैं। कवर फिटिंग का जो जो फर्स्ट पिन मैंने कहाँ पे वारी ना, वो आपको देखने की कंपलसरी जरूरी रहती है, कहाँ से स्टार्टिंग रहता है तो हमारा फिनिशिंग अच्छा मिलेगा, कस्टमर को भी खुश रहे, तो कस्टमर को दूसरा कस्टमर लाते हैं, ऐसे रहता है काम का। स्टार्टिंग आगे दो पिन, बीच में दो पिन, लास्ट में दो पिन, टोटल स्टार्टिंग में मेन पॉइंट रहता है 6 पिन का। बाद में ये जो बिका हुआ माल जो रहता है रेक्जिन का, वो पहला कटिंग करना है, क्योंकि हमको काम करने में अच्छी मज़ा आए और फिनिशिंग दे सके हम, इसीलिए जो रेक्जिन कटिंग कर लेना है। अभी पूरा कवर फिटिंग करने हुआ है और कुछ नहीं, जो हमें अभी डायरेक्ट कोई फिनिशिंग के बिना कवर फिटिंग कर रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने 6 पिन मारी, वही इसका मेन पॉइंट रहता है, आपको देख ही लिया होगा मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या समझ रहा हूँ। अभी तो पूरा कवर फिटिंग करना है, बाद में हम क्रोम पट्टी लगाएंगे। क्रोम पट्टी का तो अभी मैं सब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको क्रोम पट्टी में को सीखने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी कवर क्रोम पट्टी आसानी से लगा सकते हो। अभी पूरा का पूरा कवर फिटिंग हो चुका है। और गाइस, ये वीडियो आप लास्ट तक देखो तो आपको पता चलेगा मैं काम कैसे करता हूँ, सब कुछ फिनिशिंग वगैरह सब कुछ कैसे रहता है, इसीलिए वीडियो आप लास्ट तक देखो। और आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।